नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जागरण हाईटेक के चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित दुबे, और आज के इस वीडियो में हमारे पास मौजूद है यामाहा FZS25, जो कि यामाहा की एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसने 250 सीसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है। जी हाँ, BS4 जो इसका मॉडल था वो काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ तो आता ही था, लेकिन साल 2021 के लिए यामाहा ने अपनी नई FZS25 में भी कुछ बदलाव किए हैं, और साथ ही इसमें नया BS6 इंजन भी शामिल कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। यामाहा एक जापानी ब्रांड है, और ये हमेशा से ही अपने स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स की क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करता नजर नहीं आता। FZS25 में भी आपको ऐसी ही कहानी देखने को मिलेगी। फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़बरदस्त है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, और पूरी मोटरसाइकिल में शायद ही आपको कोई ऐसा पैनल देखने को मिले जहां ज़्यादा गैप हो। पूरी मोटरसाइकिल में इस्तेमाल किया गया मटेरियल काफ़ी ज़बरदस्त है। पूरी तरह आपको ये मोटरसाइकिल एक प्रीमियम बाइक का लुक देती हुई नज़र आती है। बदलाव की बात करें तो नई यामाहा FZS25 में आपको नया टिंटेड विंडस्क्रीन देखने को मिल जाता है, और हैंडल बार्स पर आपको ब्रश गार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, नए ब्रांड स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, और गोल्डन एलॉय व्हील्स इस बाइक पर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। फ्रंट से अगर इस बाइक को आप देखते हैं तो आपको एडवेंचर बाइक जैसा लुक भी देखने को मिलता है। और हाँ, सबसे बड़ा बदलाव यामाहा FZS25 में आपको मिलता है, इसमें दी गई LED प्रोजेक्टर हेडलाइट। जी हाँ, जिसके चलते ये बाइक रात के समय में काफ़ी बेहतरीन लाइट का थ्रो देती है। FZS25 एक स्पोर्टी और स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है, और कंपनी ने इसमें 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सुपर रिस्पॉन्सिव है। यामाहा के इंजीनियर्स ने इस बाइक के इंजन को कुछ इस तरीके से ट्यून किया है, जिसके चलते ये मोटरसाइकिल हर गियर्स में आपको एक बेहतरीन टॉर्क देती है। सात हज़ार RPM पर आप इस मोटरसाइकिल को आसानी से खींच सकते हैं, और हैंडल बार्स और सीट्स पर आपको किसी तरह का कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। FZS25 में 20.6 BHP की पावर और 20.1 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। पावर भले ही थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये नए इंजन के साथ 1 kg भारी भी हो गई है। कम रफ्तार में इंजन काफ़ी शांत रहता है, हालांकि अगर आप इसमें थ्रॉटल ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं तो ये मोटरसाइकिल बेझिझक 120 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार पर आपको एक आरामदायक अवस्था में राइड देती है। 5-speed गियरबॉक्स काफ़ी स्मूथ और तेज शिफ्ट होते हैं, पर एक गियर और ज़्यादा होता तो शायद ये मोटरसाइकिल आपको और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती थी। राइड और हैंडलिंग के मामले में इस बाइक से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलती है। जी हाँ, सस्पेंशन से आपको इस बाइक में थोड़े से स्टिफ इसलिए भी लगते हैं क्योंकि कंपनी ने इसे हर तरीके से स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है। खैर, बाइक चलाते वक्त आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें मिलने वाली सीटें काफ़ी ज़्यादा आरामदायक, चौड़ी और सॉफ्ट हैं। इस बाइक से पूरी तरह आराम आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आपके सामने शार्प स्पीड ब्रेकर्स या फिर बड़े गड्ढे नहीं आ जाते। FZS25 चलाते समय एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ख़राब मिलती है, वो है इसमें दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि एक नेगेटिव LCD डिस्प्ले के साथ आता है, और इसमें फीचर्स के तौर पर डार्क बैकग्राउंड में वाइट लेटर्स देखने को मिलते हैं। ना तो ये मॉडर्न लगता है और ना ही इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल, खासकर तब जब आप रोज़ाना बाइक चला रहे हैं। गियर पोजिशन इंडिकेटर्स भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। कंपनी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। FZS25 एक बेहतरीन ऑलराउंडर मोटरसाइकिल है, और आप इस मोटरसाइकिल को रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जाना चाहते हैं कहीं दूर, तो भी ये बाइक आपको परेशान नहीं करती है। राइडिंग डायनामिक्स भी इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है। भारतीय बाज़ार में इसकी एक्शोरूम कीमत 1,57,000 रुपये है, और BS4 मॉडल के मुकाबले ये करीब 15,000 रुपये महंगी हुई है। वहीं FZ25 से ये करीब 5,000 रुपये ही महंगी है। ये बाइक उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है जो कि 150 cc या फिर 200 cc सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल से अपग्रेड होना चाहते हैं, हालांकि इस बाइक में अभी भी फीचर्स की कमी महसूस होती है। भारतीय बाज़ार में इस बाइक का जो मुकाबला है वो है KTM ड्यूक 250, बजाज डोमिनार 250, सुजुकी जिक्सर 250 और हुस्क्वर्ना शॉर्ट पिलियन 250 और विट पिलियन 250 से है।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि 250 सीसी सेगमेंट में एक नई मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हैं।